गाइज़ अभी जो आप मेरे हाथ में ये आयरन मैन के फोटो वाली वॉच देख रहे हो ना लिटरली मैं भाई मैंने इस वॉच को बहुत मेहनत करके अनलॉक किया, किया था और उसके बाद धमाका हुआ जिस वजह से, से खराब हो गई थी बट अभी ये वॉच इस तरह से मैंने अनलॉक कर लिया है कि मैं किसी भी आयरन मैन के सूट को या फिर अवेंजर्स के सूट को इस पर टैप करके खुद से खुद बन सकता हूँ अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको दिखाता हूँ देखिए सबसे पहले

ऑरेंज टाइप का कलर है और भाई इसका तो आर क्रिएटर भी सुपर ब्लूइश टाइप का है स्काई कलर का देखिए ओके और भाई ये सूट की पावर मैं पहली बार चेक करने जा रहा हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब फिर हम वॉच में नए नए सूट्स और अनलॉक करेंगे और मजे करेंगे ओके दोस्तों देखिए यहाँ पर काफी स्मूथली मैं यहाँ पर अच्छी तरह से उड़ पा रहा हूँ क्या बात है भाई बाकी मुझे अरे 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 बाप रे, रे मैं इसी बारे में कह रहा था मुझे इस सूट के कंट्रोलिंग सिस्टम को भी समझना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे अभी ठीक से समझ नहीं आ रहा है और मैं गड़बड़ कर दे रहा हूँ लेकिन दोस्तों ये सूट एकदम मौसम है चलो सूट तो हमने बहुत देख लिया आप जल्दी से अपनी वॉच को हम देखते हैं कि इसमें कौन से नए सूट हैं जिनको अनलॉक कर सकते हैं एक मिनट वट अरे मेरे हाथ में करंट की लग रहा है और ये वॉच में से चिंगारियाँ की छूट रही है भाई ओ नो 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 ये 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 कहीं फिर से वॉच खराब तो नहीं हो गई अरे नहीं गाइस मैं भी कुछ भी सोच रहा हूँ इसमें से आवाज़ भी कुछ टिक टिक की नहीं आ रही गाइस मुझे लगता है वॉच ने काम करना बंद कर दिया है जल्दी इस पर क्लिक करता हूं मैं एक मिनट अभी तो ये कुछ ज्यादा जोर से मुझे करंट मार रही है एक बार मार दिया अरे पूरी की पूरी वॉच ही ब्लास्ट हो गई क्या अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज ये वॉच तो मुझे मार देगी भाई इस वॉच की मैं तारीफें कर रहा था और इस वॉच ने तो भाई मेरी बैंड ही बजा दी गाइस जल्दी वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब एक मिनट लगता है वॉच पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है एक मिनट व्हाट गाइस वॉच का कलर बदल गया क्या एक मिनट दोस्तों कुछ तो गड़बड़ हुई है मैं आप सभी को दिखाता हूं देखिए और इस वॉच पर से आयरन मैन का जो फोटो था वो हट गया और अभी इसके ऊपर ऑल फादर गॉड का फोटो लगा पड़ा है ओ माई गॉड गाई से काम करते हैं इस वॉच को चलाने की कोशिश करते हैं इस पर लिख रहा है ऑल फादर गॉड सूट वॉट लाइक सब्सक्राइब टू अनलॉक नहीं गाइज ये वॉच अभी लॉक हो चुकी है और इसको अनलॉक करने के लिए आप प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया कर दो अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच और हाँ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबाना फिर ये पक्का वॉच यहाँ पर दोबारा काम करने लगी देखते हैं अरे मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ वॉच पर यहाँ पर एरर आ रहा है नहीं गाइस कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझे इस वॉच के असली मालिक को इस वॉच को दिखाना पड़ेगा मैंने टोनी स्टार्क से वैसे इस वॉच को एक हफ्ते के लिए बोरो किया था उसके बाद वैसे ही मैं उसको वापस करने वाला था अभी बस तीन दिन ही हुए हैं अभी मेरे पास चार दिन और हैं चार दिन और मजे ले, ले लेंगे भाई लेकिन एक बात अच्छी है अगर ये वॉच इस बार ठीक हो गई तो हम ऑल फादर गॉड के सूट को अनलॉक कर पाएंगे गायज इस वॉच में ना एक टेलीपोर्टेशन बटन भी है जिसके इस्तेमाल करके हम कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं गायज उम्मीद करता हूँ वो बटन अभी भी काम कर रहा होगा ये मैं जाना चाहता हूँ स्टॉक मैं हो गया टेलीपोर्ट में अरे अरे, अरे। लेकिन ये मुझे गलत तरीके से टेलीपोर्ट कर रही है भाई पहले ज़मीन पे कर दी थी आसमान में कर दिया और बड़ी जोर से लगवा ली मैंने अपने खुद के खैर जल्दी से अवेंजर्स के पास जाते हैं और जाकर भाई उनसे बोलते हैं कि भाई टोनी कहाँ पर है टोनी अरे भाई मेरी वॉच मुझे वापस चाहिए यह फ्रेंकलिन का बच्चा बड़े मजे ले रहा है फ्रैंकलिन भैया तो आ टोनी भाई वैसे भी मैंने ही तेरी इस वॉच को अनलॉक कराया था और इसमें सारे अवेंजर्स के सूट अनलॉक कराए थे मैंने तो उससे इसको एक हफ्ते के लिए मांगा था लेकिन यार ये वॉच तो तीन दिन में ही खराब हो गई क्या अब फ्रैंकलिन तूने वॉच खराब भी कर दे टोनी प्लीज़ ना मेरे को ये वॉच वापस से ठीक करके दे दे इस बार भाई साहब इसमें कुछ नए सूट आए मैं उनको अनलॉक कर लूँ फिर पक्का इस वॉच को तुझे लौटा दूंगा अच्छा चल ठीक है पर मेरी वॉच मुझे वापस चाहिए हाँ नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे एक मिनट वॉच पर भाई मेरा फोटो था पहले तो हाँ और अब इस पे ऑल फादर गॉड का फोटो आ गया है अरे ये क्या कर लिया तूने वॉच के साथ फ्रैंकलिन खैर रोक मैं अभी अपने गैजेट्स और टूल्स लेकर आता हूँ उसके बाद ही चेक करेंगे इस वॉच में क्या गड़बड़ हुई है वैसे वॉच पे क्लिक करने पे हो क्या रहा है कुछ नहीं हो रहा है यार बस एरर एरर एरर, एरर। ये ही लिखे आ रहा है बार 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 अच्छा चल ठीक है तू घबरा मत यहाँ पर ला वॉच मेरे पास मैं अभी चेक करता हूँ गाइस एक बार ये फ्रैंकलिन वॉच मुझे लौटा दे फिर तो मज़ा ही आ जाएगा मेरे को तो लगता है इस बार ये वॉच पहले से भी स्पेशल हो गई है तभी इस पर आयरन मैन का फोटो हटकर ऑल फादर गॉड का लग गया है। मुझे किसी भी हाथ में फ्रैंकलिन से इस वॉच को लेना ही पड़ेगा ऑल राइट फ्रैंगलिन बस सीधा खड़ा रहे अरे भाई कब तक खड़ा रहा हूँ आधा घंटा हो गया है कम ऑन इस वॉच को जल्दी ठीक कर अरे देख मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ठीक है अभी मैं इस वॉच का एक बटन दबाने वाला हूँ लेट सी कि तू यहाँ पर ऑल फादर गॉड में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा या फिर नहीं हाँ ठीक है ठीक है कर ये दबाया मैंने बटन अरे नहीं पढ़ेंगे अभी तो तुझे इस वॉच को उतारना ही पड़ेगा टोनी मैं चाह भी इस वॉच को नहीं उतार पा रहा हूँ ये फिर से पहले की तरह ग्लिच करके मेरे ही हाथ पे टक गई है अब ये तो बड़ी गड़बड़ है फिर तो इस वॉच को ठीक करने के बाद ही मैं तुझसे वॉच छीन पाऊंगा नहीं नहीं मैं ये वॉच नहीं दूंगा टोनी अगले चार दिन तक तो बिल्कुल तो भी नहीं पहले ये पता मेरी वॉच ठीक हुई है नहीं वो मुझे नहीं पता मैंने पूरी कोशिश की अरे का इस टोनी से तो कुछ हुआ ही नहीं हम लोग ही ट्राई करते हैं अरे क्या करूं एक और बार ट्राई करते हैं भाई ऊपर वाले का नाम लेकर क्या पता वॉच काम कर जाए अरे

वैसे भी खराब हुई पड़ी है। अगर इसको ठीक करना है तो भाई मुझे यहां पर मेरे टास्क करने दे बकवास बंद कर वो मेरी वॉच है टास्क भी मेरे ही है क्या बोलते हो अवेंजर्स अवेंजर्स जल्दी से मेरी मदद करो इस फ्रेंकलिन से उस वॉच को छिनवाने में फिर उसके बाद देखना मैं दुनिया का सबसे बेस्ट वॉच वाला खतरनाक गॉड बनूंगा अरे हम तेरी मदद क्यों करें हम तो खुद की मदद करेंगे उई, मैं तो चला लावा गॉड का हाउस हाउस डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय करने एक बार वो टास्क मैंने कर दिया वॉच मेरे पास खुद आ जाएगी बिल्कुल सही कहा हल्क भी करेगा लावा गॉड का अरे बाप रे टोनी के बच्चे सब तेरी वजह से हुआ है तूने सारे के सारे अवेंजर्स को लालच में डाल दिया और अभी वो किसी की मदद नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की मदद करने भी नहीं जाएंगे वो देखना एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे ज्यादा मत बोल फ्रेंकलिन वो वैसे ही वॉच मेरी है चाहे वो वॉच मुझे ना मिले पर मैं तुझे तो बिल्कुल नहीं ले दूंगा ऐसा कुछ नहीं है लावा गॉड के हाउस को तो मैं डिस्ट्रॉय करूंगा और इस वॉच में जितने भी ऑल फादर गॉड के बाकी गॉड्स के सूट हैं उनको भी मैं अनलॉक करूंगा समझा तो अच्छा मेरा मन का सूट तो जल्दी से मैं अभी के अभी भाई लावा गॉड के हाउस को जाकर डिस्ट्रॉय करता हूं बदले में मैं लावा गॉड को अपना घर दे दूंगा अरे नहीं यार मैं तो अपना घर भी नहीं दे सकता लावा गॉड को मेरे पास इकलौता घर है टोनी के पास तो हजार घर है भाई मुझे किसी भी हाथ में लावा गॉड का घर तो डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा तभी भाई ये वॉच हमें नया सूट अनलॉक करके देखा वो भी गॉड का भाई ऑल फादर गॉड का पता नहीं कैसा सूट होगा वो दिखने में अभी तो मुझे दिखा भी नहीं था वो ठीक से और वे रे मुझसे पहले तो ऑलरेडी अभी की टोली यहाँ पर पहुंच चुकी है पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी अभी भी लावा गॉड का हाउस डिस्ट्रॉय कर पाया वरना ये वॉच मेरे हाथ में से अभी तक गायब हो चुकी होती ओए लावा गॉड मैं तुझे भाई अपना मैंसन दे बदले में हल्क बर्गर दे दे आई, हम अपना घर की प्लीज अपना घर डिस्ट्रॉय करने दो लावा गॉड तू किसी की मत सुन मैं तुझे जैसा घर चाहेगा वैसा कर दूंगा बस तू मुझे अपना घर डिस्ट्रॉय करने दे क्या बकवास हो रही है और मेरा घर मैं किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा मेरी बचपन की याद है अपने मम्मी पापा के साथ मैं इस घर में रहा समझे अगर ने भी मेरे घर से हाथ भी लगाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगा ये घर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीज है अरे यार अब तो तू तो इतना तो तो बड़ा हो गया इस घर में आ भी नहीं पाएगा प्लीज भाई इसको डिस्ट्रॉय करने दे बदले में तेरे जितना बड़ा तुझसे भी बड़ा घर बनवा के दूंगा मैं मेरा घर मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है का सूट लाओ, पहले मैं इस लावा के बच्चे को नीचे गिराऊंगा फिर इसका घर डिस्ट्रॉय करूंगा और फ्रैंकलिन की वॉच मेरे पास और फादर के जितने भी सूट होंगे सब, सब मैं लॉक करूंगा अरे बाप रे गाइस टोनी पर तो खून सवार है यार इस वॉच को लेने के लिए देखिए यहाँ पर सीधा लावा गॉड से भिड़ गया ओ टोनी स्टॉक गलत ही कर रहा है मुझसे पंगा लेकर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं तुझसे डरता नहीं लावा गॉड अवेंजर्स खड़े खड़े क्या देख रहे हो मेरा जल्दी और मेरी मदद करो वो वॉच और प्लस भाई वो जो घर है मैं डिस्ट्रॉय करके रहूंगा राइट

जल्दी से मेरा जॉय डायमंड का सूट लेकर आओ ये लावा गॉड तो मेरी अच्छी खासी बैंड बजा देगा अरे अरे गाइज ये क्या टोनी तो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है बट लावा गॉड तो अपने पास भी नहीं आने दे रहा है भाई टोनी को घर कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है अभी तो मेरे पास वॉच को यूज करने का टाइम भी नहीं है क्योंकि वॉच मेरे को कोई है सूट भी नहीं देगी ओहा निकल जाओ फ्रैंकलिन कुछ नहीं होने वाला तेरा अरे बाप रे अब ये क्या ये कहां पर आ गया मैं अरे नहीं 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 ये 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 लावा गॉड के बच्चे ने मुझे में नर्क में तो नहीं भेज दिया अरे नहीं भाई अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना अरे अवेंजर्स मुझे बचा लो अरे मुझे नहीं चाहिए वॉच ना ही मुझे लावा गॉड का घर डिस्ट्रॉय करना है बस मुझे मेरी जान वापस चाहिए प्लीज मुझे बचा लो फ्रांकलन कोई भी इनको नहीं बचाएगा लेटो नहीं जल जाओ लावा गॉड मुझे छोड़ दे ओ भाई साहब अगर मेरे हाथ में होता टोनी को बचाना तो मैं जरूर बचा लेता टोनी को लिटरी में लावा गॉड ने सच में नर्क में ही भेज दिया भाई टोनी तो गंदी तरीके से जल रहा है वहाँ पर जाओ बस जल्दी से मेरा आयन का सूट भेजो मुझे यहाँ से बच के निकलना है अरे मेरी तो हालत खराब कर दी। अरे पापा बचाओ मम्मी बचाओ कोई तो मेरी मदद करो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा किसी हालत में गाइस अब मैं क्या करूं? मुझे वो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर जब अवेंजर्स लिटरली मैं लावा गॉड का घर डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे तो मैं साधारण सा इंसान होकर क्या ही कर लूंगा गाइस मुझे किसी भी हालत में लावा गॉड के करीब जाके उसके घर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा तो अभी यहाँ पे बात बन पाएगी हल्क फोड़ेगा हल्क नहीं छोड़ेगा वो भाई साहब वैसे अगर हल्क लावा गॉड को किसी तरह से नीचे गिरा दे तो जब ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे होंगे घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो मैं सही मौके निकाल के वहां पर घर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ खतरनाक लगा के या फिर बॉम्बस से हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा हल्क के दोस्त टोनी टोनी को छोड़ दे अच्छा तुझे टोनी की बहुत याद आ रही है क्यों ना तुझे भी टोनी स्टॉक के पास ही भेज दो हल्क तुझसे डरता नहीं है हल्क तुझे फोड़ेगा हल्क तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा हल्क बहुत पावरफुल है हल्क शूरवीर है बलवान है अरे बाप रे हल्क बातें करता रहेगा कि उसको पीटेगा भी बहुत हो गया ख्वास क्या करूं यार मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई यहाँ पर हल्के बड़े बड़े पत्थर भी लावा गोट को कुछ नहीं कर पाए अब तो जो भी है भाई

वाला ऑप्शन काम कर रहा है एक आध सूट ही मिल जाए मुझे अरे ये क्या वॉच में एक सूट है ऑलरेडी ऑल फादर बेबी का ऑल फादर बेबी गॉड है बट ये तो ये क्या कर लेगा इसको पहनते हैं हाँ, मैं तो एक छोटा सा ऑल फादर बेबी गॉड बन गया Guys, क्या ये कोई पावर यूज कर सकता है मेरा सूट नहीं गाइस जैसे मैं पावर तो यूज नहीं कर सकता बट अब लावा गॉड की जो बॉडी इतनी गर्म है वो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है क्योंकि अब मेरे पास बेशक बच्चे की सही लेकिन ऑल फादर लावा गॉड बीबी की बॉडी है और गाइस मैं इतना लावा गॉड मुझे फील भी नहीं कर पा रहा है कि मैं उसकी बॉडी पर चढ़ गया हूँ और अभी देखिए मैं लावा गॉड के हेड पर आ चुका हूँ और अब समय आ गया यहाँ पर लावा गॉड के घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का उसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि मैं लावा गॉड के पूरे घर को एक

हल्क उसको फोड़ेगा इससे पहले कि अवेंजर्स आ जाएं भाई और मेरे काम में टांग जल्दी से फ्रैंकलिन कर कर भाई इस घर को डिस्ट्रॉय ओके okay, दोबारा से ट्राई में हल्क तो जंप लगाएगा और सीधा लावा गॉड के हेड पे पहुंच जाएगा नहीं। तुम सब लोग मेरा घर को छूना भी और हैड पर हल्क तो उससे नहीं रहता हाँ के पैर जल रहे हैं अरे हल्क खड़ा नहीं हो पा रहा है इसलिए हल्क हवा में उड़ के मारेगा फ्रैंकलिन तू एक बच्चा बन गया इसका मतलब ये नहीं हल्क तुझे नहीं पीटेगा हल्क तुझे पीट के यहां से दूर भेज देगा क्योंकि हल्क ही लावा गॉड के घर को चलाएगा अरे बाप रे यार ऐसा अल... मत कर भाई अरे साथ में मिलके भाई इस घर को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं ओह नो इस हल्क के बच्चे ने तो नीचे गिरा दिया अब हल्क इसके घर को चूर-मूर कर देगा अरे मैं तुझे छोडूंगा नहीं अरे भाई मैं भी आ रहा हूँ रुक जाओ अरे रे 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 बड़ी मुश्किल में गाइस मैंने लावा वर्ल्ड से पीछा छुड़ाया वहां पर तो जल जल के मेरा कबाब ही बनने वाला था खैर अगर मैं यहाँ पर बॉम्ब लगा कर एक मिनट मुझसे पहले ये हल्क और थोर कहां से पहुंच गए उठी कसम बिजली से पूरे घर में आग लगा दूंगा हल्क पर पत्थर से पड़ेगा सब सब, तुम सब लोग बस मेरी रक्षा करो जाबे जल्दी से मेरा आई एन का सूट भेजो भाई क्या कर रहे हो जल्द से जल्द मुझे इस घर को डिस्ट्रॉय करना है अरे बापरे ओन कसम यहाँ पे मैं तो बिजली लगा रहा हूँ क्या हो रहा है ऊपर ओ भाई साहब थोर ने अपनी बिजली का करंट लगा दिया पूरे घर में नहीं अब मैं चाह भी इस घर को छू नहीं सकता वरना मुझे भी बिजली करंट लगेगा अब क्या कर रहा है लेकिन कर जाएगा। हो रहा है। जाओ, जाओ मेरा से। ओके दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है मैं एक ऑल फादर गॉड बेबी हूं क्यों ना मैं यहाँ पे मेडिटेशन करके एक बड़ी सी आग का गोला इस घर में छोड़ दूँ इस पूरे घर को जला दो गाइज उसके लिए प्लीज आपको भी मेरी मदद करनी होगी आप लोग जल्दी से कमेंट में ये फायर वाला इमोजी स्पैम कीजिए जल्दी से प्लीज करो हमारे पास टाइम नहीं है अगर आप ज्यादा से ज्यादा फायर वाला इमोजी स्पैम करेंगे तो मेरे शरीर के अंदर एक अंतरात्मा वाली ताकत आएगी जिसके इस्तेमाल से मैं इस पूरे घर को एक झटके में भस्म कर डालूंगा जलाकर फ्रैंकलिन <laughs> अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला लेट्स को अब गाइस एक बड़ा सा आग का गोला आएगा लेट्स को अरे हमने कर दिखाया हेड पूरा का पूरा सर जल रहा है मेरा ओ भाई साहब आग का गोला तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है पर लावा को भी चपेट में ले लिया तुम से लूंगा। को सबको बर्बाद कर दूंगा अरे को अरे भी अब भाग नहीं पड़ेगा भाई गाइस देखिए यहाँ पर आग की गोली ने क्या खतरनाक तरीके से लावा गॉड को और उसके घर को ही डिस्ट्रॉय कर डाला मैं वापस आऊंगा एक और मारते हैं सुपर आग का गोला अटैक वाह भाई इतना बड़ा लावागढ़ का जो घर था कैसे खिलौने की तरह हवा में उड़ते जा रहा है और नीचे जमीन पे जाकर डिस्ट्रॉय हो चुका है मेरे हिसाब से गाइस जो टास्क करना था हमने

तो ऑल फादर रियल गॉड हल्का सूट है

देखूंगा Franklin, मैं किसी भी पता कर लूंगा ऊपर लिख रहा है कंप्लीट टास्क अनलॉक दिस थ्रो अर्थ गॉड फ्रॉम स्का भैया अर्थ गॉड तो लेकिन जमीन पर रहता है

पुलिस तो मुजरिम को पकड़ने आती है और ये लोग मेरी घड़ी को लेने आए मुझे तो लगता ही नहीं है भाई ये पुलिस वाले हैं और इन दोनों की आवाज़ें पहचानी पहचानी लग रही है ऑफिसर आप मुझे अपनी आईडी दिखाएंगे अरे हमारी आईडी हमसे पूछता है गोली मार देंगे बिल्कुल सही कहा और आप गोली मार दूंगा तुझमा कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों ऑफिसर रुकिए अभी मुझे बस एक काम है मैं अभी आपको घड़ी दाऊ जो भी काम है जल्दी कर समझा और इधर लौट के आ कुछ तो गड़बड़ है इनकी सच्चाई मुझे जाननी पड़ेगी मुझे नहीं लगता पुलिस वाले हैं आपको क्या लगता है अगर आपको लगता है ये असली पुलिस वाले हैं तो कमेंट में यस लिखिए और लगता है नकली पुलिस वाले कोई बहरू पिया है तो कमेंट में नो लिखिए अगर भाई ये असली पुलिस वाले हुए तो मैं गया और नकली हुए तो इनको छोड़ूंगा नहीं पर ये लोग हैं कौन तभी देखा चल जाएगा और कहाँ गया वो फ्रैंकलिन का बच्चा उसकी गाड़ी किसी भी हालत में मुझे चाहिए ओए बिल्कुल एक बार उसकी गाड़ी पर मिल जाए मजा ही आ जाएगा बिल्कुल सही कहा और कब तक हम ये पुलिस वाले के भेज में रहे एक काम करते हैं हटाओ उस कपड़े को और फ्रैंकलिन को जाके ढूंढो अरे हाँ तूने सही कहा यार हम तो यहाँ पर फंसे पड़े हैं गर्मी भी लग रही है मुझे पुलिस की ड्रेस में वोट ये तो रेडो का ब्लैक फ्रेंकलिन है तो गाइज ये लोग मेरा उल्लू बनाने आए थे लेकिन इनको क्या पता मैं इनसे भी ज्यादा चलाकूं मन तो ऐसा कर रहा है भाई अभी जाके इनको पीटूं लेकिन अभी जाके मैं इनको पीटूंगा तो मेरा ही टाइम वेस्ट होगा मुझे अभी भाई अर्थगोट को ढूंढना है और उसको भाई आसमान से फेंकना है उसके बाद ही हमें ऑल फादर गॉड का नया सूट देगी ये घड़ी गाइज मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है अवेंजर्स अभी तक क्यों नहीं आए ऐसा तो नहीं है मुझसे पहले ही वो हवा में उड़ उड़ के ऑलरेडी भाई अर्थगोट के पास पहुंच गए नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए चल टोनी मतलब चल फ्रेंकलिन जल्दी चल अरे तुम

तुम मेरा अपमान करते हो मैं तुम्हें भस्म तुम कर डालूंगा ये बापरी ये अर्थिकोट तो ऐसी मानी नहीं है अब इसको हवा में कैसे लेके जाए हमें साथ मिलकर काम करना होगा और ध्यान रखना अब भाई हम में से किसी को भी घड़ी मिले या फिर वो लाल फादर गॉड का सूट मिले हम फ्रैंकलिन को तो नहीं बिजली अटैक अरे यार ये सबके सब तो गाइस मेरे खिलाफ हो गए पहले मैं इन लोगों को पिटने देता हूँ और अर्थगोट को भी कमजोर हो देता हूँ उसके बाद भाई मैं सिक्स आर्म ऑल फादर गॉड बन के यहाँ पर अर्थगोर्ट को हवा में लेके जाऊंगा और वहां से गिरा दूंगा अभी तो गाइस देखते हैं यहां पर क्या सच में अवेंजर्स अर्थ गोट को हरा पाएंगे या फिर नहीं ये क्या बचपना कर रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा है तुम सबको पेड़ बना दूंगा पानी में बदल दूंगा 啊哈哈哈

इससे पहले कि अवेंजर्स उठे और मेरे काम में इंटरप्ट डालें क्यों ना मैं यहां पर इन सभी के सभी अवेंजर्स को अपनी घड़ी के जरिए कहीं पर टेलीपोर्ट कर दूं इतनी दूर टेलीपोर्ट करूंगा कि यहां पर आने में कम से कम दो दो तो साल तो इनको लग ही जाएंगे नहीं इतना तो नहीं का देखिए अभी मैंने अपनी घड़ी में से सिक्स आर्म्स ऑल फादर गॉड हल्का सूट पहन लिया है अब मैं क्या करता हूं यहां पर जल्दी से सुपर मेडिटेशन करके इन सभी के सभी अवेंजर्स को सिंचाई मिंज चौक को लॉस सेंटोस के बीचों बीच शहर में भेज देता हूँ ट्रैफिक वाली जगह पर जिससे कि ये यहां पर अगर वापस भी आएंगे तो उनको घंटों लग जाएंगे और

ओके okay, अब यहां पर हम आ चुके हैं और मैं मारूंगा यहां पर एक सुपर किक और ये गिराया हमने अर्थगोट को नहीं अब ये क्या करते फ्रेंकलिन तू ने जगह भाई तू ने अर्थगोट को गिरा दिया भाई साहब सॉ कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया मैंने अर्थगॉड को वो हवा में उड़ रहा है अभी तक तो गिरा भी नहीं है बट जैसे ही अर्थगॉड हवा में से निकला और भाई नीचे गिरा हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो चाहे छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन बहुत बुरा पान हुआ है वाह फाइनली अर्थगॉड भाई पहाड़ में जाके ठुक गया है और हम भी नीचे चलते हैं फ्रैंकलिन रुक जा कहाँ जा रहा है मेरी घड़ी दे दे मुझे भाई अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट जो सूट था वो कौन सा होने वाला है मजा आएगा उसको अभी पहन के देखेंगे ओके okay, ये करीम हमने घड़ी ओके okay. ये तो थ्री हेडेड अभी से थ्री हेडेड भाई थ्री हेडेड डेविल ऑल फादर गॉड का सूट है और ये तो सच में गॉड का सूट है भाई पहले वाला तो हल्क टाइप वर्जन था पर इसको पहनते हैं ओके ये पिछले वाले सूट से भी दो गुना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई गाइस यहाँ पर मैंने सूट भी ले लिया तो गॉड को भी पेट दिया बट अवेंजर्स कहाँ पर है ना तो टोनी है यहाँ पर और ना ही अवेंजर्स हैं कायज कुछ तो गड़बड़ है और सिंजन मिंजन चौप भी नहीं आए अभी तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था एक मिनट दोस्तों कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है एक काम करते हैं हम सीधा स्टाकमेन से नहीं जाके देखते हैं ये काम करता हूँ भाई सीधा टेलीपोर्ट ही हो जाता हूँ ऐसे भाग भाग के क्या आ जाऊंगा ऑल मैं फाइनली स्टार आओ माई कॉड ये क्या मैं अब तुम सबको बर्बाद कर दूंगा तुमने मेरा घर बर्बाद किया बदले में मैंने तुम्हारा घर तुमसे छीन लिया जी भाभी तो हमारा घर है मिनी लावागोड़ हमें छोड़ दी प्लीज अरे भाई लावागोड़ छोड़ दे हल्का छोड़ दे फ्रैंकलिन मजे ले रहा है हम बगे हम बुरी तरह से फंस गए और मजा आ रही है गाइस पक्का इस रेडल ने ही इस लावागोड़ का साथ दिया होगा तभी अवेंजर्स को पकड़ लिया और साथ साथ में मेरी फैमिली को भी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों को हराने के लिए इस रेडल के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं फ्रांकलोन तो तू आई गया अरे इसने मेरे को कहा से देख लिया फ्रांकलोन अब तुझे भी मैं यहाँ पे बंदी बना के रहूंगा मैं यहाँ पर तेरा घर भी कब्जे में ले लूंगा ये रहा नहीं वैसे सही बताऊँ तो लावा गॉड का गुस्सा जायज है मैंने उसका घर डिस्ट्रॉय किया इसलिए वो मेरे को पीट रहा है बट गायज मेरे पास एक रीजन था और लावा गॉड इस रेड होट के साथ मजे लेने के लिए कर रहा है बहुत हो गया तो इस लावा गॉड को हराने के लिए मुझे टाइटन लेवल का ऑल फादर गॉड का सूट चाहिए उसके लिए ये घड़ी हमारी मदद करेगी देखते हैं हमारे पास कोई सूट है यहाँ पर जो हम पहन सकते हैं नया वाला ताकतवर अरे ये तो

बिल्कुल सही कहा ऑलराइट गाइस हमने यहाँ पर रेडल को एक बार में स्मैश कर दिया अब चेक करते हैं भाई क्या हमारी घड़ी ने हमें दिया और दी दिया सूट भाई ये तो रियल टाइटन है रियल टाइटन ऑल फादर 300 गॉड का सूट

का नेक्स्ट पार्ट आए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए बहुत मजा आएगा थैंक यू सो मच